ऑक्सीकरण अवस्था किसकी ऑक्सीकरण अवस्था, समूह 13 के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था है। क्लियर, समूह 13 के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था है। ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब जो होता है कि इलेक्ट्रॉन को त्यागने के बाद या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के बाद, यौगिक बनाने के बाद जितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। पहले इसका शॉर्ट में समझ लो कैसी होती है। जैसे कि यहां पर आप देखो, एक कॉपी दिखाओ, ऑक्सीकरण अवस्था बारीकी समझना आपको, है ना, क्या क्या बता रहा हूं मैं आपको, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था। सबसे पहले आपको क्या होता है, बोरान होता है, बोरान का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 5 होता है, बोरान बी होता है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 5। ये होता है 1s2, 2s2, 2p1। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, 2s, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, और p के 3 खाने होते हैं, होते 3, p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो बोरान क्या करता है, कभी एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, एक इलेक्ट्रॉन त्यागा मतलब एक ऋण चार्ज कम हो गया, मतलब एक धन चार्ज बढ़ गया, मतलब प्लस वन अवस्था ग्रहण करता है, और कभी कभी क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, इसको भी त्याग देगा और ये दोनों को भी त्याग देगा, 3 के 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, मतलब 3 ऋणायन क्या होगा इसके, कम होगा, और जब 3 इसके ऋणायन कम हो गए, है ना, मतलब अंदर 3 प्रोटॉन ज्यादा हो गए ना, बोरान के परमाणु क्रमांक 5 है, मतलब बोरान के नाभिक में 5 क्या है, प्रोटॉन है, और बोरान में 5 क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब 5 इलेक्ट्रॉन में से इसने 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 2 बचे, लेकिन अंदर प्रोटॉन कितने हैं, 5 ही है ना, अंदर प्रोटॉन कितने इसमें, 5 है। अब 3 इलेक्ट्रॉन ने क्या कर दिया, त्याग दिया, कितने इलेक्ट्रॉन त्यागा, 3 इलेक्ट्रॉन ने क्या कर दिया, त्याग दिया, त्याग दिया, 3 ऋण चार्ज निकल गए, मतलब अंदर कितने धन चार्ज ज्यादा हो गए, 3 धन चार्ज ज्यादा हो गए, मतलब +1, +3, 3 इलेक्ट्रॉन त्यागा मतलब +3। तुम सिर्फ इतना याद रखो, इलेक्ट्रॉन बाहर त्याग दिया मतलब अवस्था धन वाली हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन अंदर ग्रहण कर लिया मतलब ऋण वाला हो जाएगा। ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो +1 अवस्था ग्रहण करेगा, और यदि तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, दूसरी कक्षा के तीनों इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो +3 अवस्था क्या करता है, ग्रहण करता है। क्लियर, +3 अवस्था क्या करता है, ग्रहण करता है। यहां पर देखो वही लिखा है, यहां पर वही लिखे अपन ने, बुरान समूह के तत्व, बुरान समूह के तत्व अपने यौगिकों में +3 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, या फिर +1 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था रखते हैं। जो बुरान समूह है, कभी ये पी का 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, पी का 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, पी का 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, पी का 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, या कभी कभी पी के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ साथ ये 3 इलेक्ट्रॉन, एस के 2 और पी के 1, कभी 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देते, तो +3 या +1 अवस्था क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, अवस्था रखते हैं। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से प्रतीत होता है, ये जो तत्व है, इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से प्रतीत होता है कि इनकी सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था +3 होनी चाहिए, है ना। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट है कि इनकी बाहरी कक्षा, दूसरे नंबर की बाहरी कक्षा है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा से ज्यादा 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे, है ना, ये अधिक से अधिक तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन, 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, त्याग देंगे, 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, त्याग देंगे, अधिक से अधिक क्या कर देंगे, तीनों के तीन इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे, मतलब इनकी ऑक्सीकरण अवस्था अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, +3 होनी चाहिए। इस समूह के सभी तत्व +3 ऑक्सीकरण अवस्था तो दर्शाते हैं, इस समूह के सभी तत्व के दर्शाते हैं +3 ऑक्सीकरण अवस्था तो दर्शाते हैं, परंतु बोरान और एल्यूमिनियम के अतिरिक्त अन्य 3 तत्व +1 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। सभी तत्व कौन कौन से, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, पेपर में आता है ना, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, ये सब 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करके, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करके, 3 के 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करके +3 ऑक्सीकरण तो अवस्था दर्शाते ही है, लेकिन बोरान और एल्यूमिनियम को छोड़ करके अन्य 3 तत्व गैलियम, इंडियम, थेलियम +1 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं, मतलब कि सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं। जो समझ में ना आया पूछ लेना,
कुछ वर्ड अगर मिस्टेक लगे जो समझ में ना आए, क्या होता है क्या नहीं होता है तुरंत पूछ लेना, डाउट क्लियर कर दूंगा। शंका मन में मत रखना, पूछोगे तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा ना। क्या कब कैसे कौन, ये एक ऐसे शब्द होते हैं जिनसे इंसान का ज्ञान बढ़ता है, इसलिए पूछने में शर्म नहीं करना। जिसने करी शर्म उसके फूटे करम, लेकिन जैसा होता है। बोरान से थेलियम की ओर प्लस वन ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी हो जाती है और प्लस थ्री ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी। देखो बोरान प्लस थ्री ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा, एल्यूमिनियम भी प्लस थ्री दर्शाएगा, गैलियम भी प्लस थ्री दर्शाएगा, इंडियम भी प्लस थ्री दर्शाएगा, थेलियम भी प्लस थ्री दर्शाता है। प्लस थ्री ऑक्सीकरण अवस्था मतलब तीन इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, तीन इलेक्ट्रॉन त्याग करके दर्शाते हैं प्लस थ्री ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, जिस थायरॉइड का क्रम होता है। और जो प्लस वन ऑक्सीकरण अवस्था होती है, स्थायी विक्रम मतलब जो होता है कि ये तीन इलेक्ट्रॉन त्याग करके प्लस थ्री बनाएगा गारंटी है। फिर उससे कम मात्रा में ये त्यागता है, फिर उससे कम स्थायी होता है, उससे कम स्थायी होता है, उससे कम स्थायी होता है। स्थायी भी शोर आने पर बढ़ रहा है, किसका स्थायी, प्लस थ्री ऑक्सीजन अवस्था का बढ़ रहा है। मतलब कि ज्यादा मात्रा में प्लस थ्री ऑक्सीजन अवस्था ग्रहण करेगा, उससे कम मात्रा में है ना। अगला होता है प्लस वन ऑक्सीजन अवस्था। बोरान प्लस वन ऑक्सीजन अवस्था दर्शाते नहीं है, एल्यूमिनियम भी नहीं दर्शाता है, फिर गैलियम दर्शाता है, इंडियम भी दर्शाता है और थेलियम भी दर्शाता है। स्थायी विषोर आने पर क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। क्लियर आप लोग को समझ में, तो जो होता है इसको यहां से लेके आ जाएगा आपको।